एंड वेलकम टू सोनीस वर्ल्ड। तो फ्रेंड आज हम देखेंगे कि हम अपने सिर्फ हमें एक ही इंग्रेडिएंट चाहिए जो हमारे बालों को और स्किन को हेल्दी एंड ग्रोइंग रख सकता है। सिर्फ एक इंग्रेडिएंट से हम अपने बालों को लंबा घना और मजबूत कर सकते हैं, हम अपने बालों को लॉन्ग कर सकते हैं, हेल्दी कर सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग रख सकते हैं अपनी स्किन को। तो हमें सिर्फ एक ही इंग्रेडिएंट चाहिए, डैट इज फ्लैक्सीड। फ्लैक्सीड जो है बहुत ही अच्छा होता है। फ्लैक्सीड हमारे बालों के लिए, हमारी स्किन के लिए और इनफैक्ट हमारी बॉडी के लिए, इफ़ यू वांट टू लूज वेट, तो हमारी बॉडी के लिए, हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा इसके बेनिफिट्स होते हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि स्किन के लिए और बालों के लिए हमारे जो है ये फ्लैक्सीड जेल कितना अच्छा है। जो फ्लैक्सीड जेल होता है वो हमें सन डैमेज से प्रोटेक्शन देता है, और साथ ही साथ ये अगर हमारी स्किन पे किसी तरह के एक्ने हैं, डार्क स्पॉट्स हैं, तो उसको भी ये लाइटन करता है। और अगर आपकी स्किन पे किसी तरह के रिंकल्स हैं और आप इस फ्लैक्सीड जेल से रेगुलर अपने फेस की मसाज करेंगे, तो आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपकी रिंकल्स जो है वो धीरे धीरे, हमारे रिंकल्स जो है जा रहे हैं। अब देखते हैं कि फ्लैक्सीड जेल हमारे बालों के लिए कितना अच्छा होता है। तो फ्लैक्सीड जेल में होता है विटामिन ई एंड ओमेगा 3 फैटी एसिड, जो हमारे हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है और हेयर फॉलिकल को भी नरिश करता है। अगर आपकी हेयर डैमेज है, सन डैमेज हो जाता है, तो हमारे जो बालों को है डैमेज से बचाता है ये फ्लैक्सीड जेल। साथ ही साथ ये आपकी बालों को सिल्की एंड सॉफ्ट भी बनाता है। आप बाल जब वॉश करते हैं तो आप नॉर्मल लिवॉन या कोई सीरम लगाते होंगे, तो इंस्टेड ऑफ मार्केट बेस्ड सीरम लिवॉन एंड ऑल, तो आप लगाएं फ्लैक्सीड जेल और आप देखेंगे कि आपके बाल फ्रिज फ्री है, आपके बालों में किसी तरह के नॉट्स नहीं है, आपके बाल इजिली जो है कॉम हो रही है, आपके बालों में किसी तरह के नॉट्स नहीं है, तो आप वो ट्राई कर सकते हैं। साथ ही आपके बालों में किसी तरह का केमिकल नहीं पहुंचाएगा और साथ ही साथ आपके बालों को बहुत ज्यादा सिल्की स्मूथ बनाएगा। जेल होता है हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, साथ ही साथ अगर आपकी बालों में डैंड्रफ है तो उसे भी ये क्योर करता है। तो इनफैक्ट ये फ्लैक्सीड जेल बहुत 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 ही अच्छा है हमारे बालों के लिए, हमारी स्किन के लिए। बट ओनली थिंग इज दैट यू नीड ओनली फ्लैक्सीड, आपको चाहिए। सो हम स्टार्ट करते हैं कि हम फ्लैक्सीड जेल कैसे बना सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड ये फ्लैक्सीड जेल बनाने के लिए, अलसी का जेल बनाने के लिए सबसे पहले हमने लेना है 1 कप वाटर। ये मैंने फिल्टर्ड वाटर लिया है। और हमें लेना है 1/4 कप फ्लैक्सीड, या फ्लैक्सीड कोई से भी आप ले सकते हैं। आप जो भी आप कप या कोई भी आप बाउल लेते हैं उससे आप मेजर कीजिएगा ताकि आपकी क्वांटिटी सही रहे। अगर आपकी क्वांटिटी सही नहीं होगी तो आपका जल सही नहीं बनेगा, गाढ़ा बन जाएगा। तो मैंने, अगर आप 1 कप ले रहे हैं तो आप 1/4 कप लीजिएगा फ्लैक्सीड सीड्स, और अगर आप 2 कप ले रहे हैं तो आपको लेना है 1/2 कप ऑफ फ्लैक्सीड। तो मैं इसमें डाल दूंगी। अभी मेरा गैस का फ्लेम ऑन नहीं है, मैं इसको ऑन कर देती हूँ गैस को। ये फ्रेंड मैंने गैस जो है ऑन कर दी है, और अभी गैस का फ्लेम मीडियम है, हमें मीडियम ही रखना है। हमें किसी भी लकड़ी के, इससे अच्छे हम इससे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और जब ये वाटर बॉयल होने लगेगा, इसे ज्यादा टाइम नहीं लगता बनने में, सिर्फ 4 से 5 मिनट लगते हैं। जब ये पानी बॉयल होने लगेगा तो आप देखेंगे कि आपका ये जो पानी है थिक होने लगा है, जेल इसमें जितना भी फ्लैक्सीड है उसका जेल इसमें पानी में आ चुका है। तो हम 5 मिनट इसे मीडियम फ्लेम पे इसे हम बॉयल करते हैं। अब हम इसे किसी लिड से कवर कर देंगे और 5 मिनट तक हम इसे वेट करेंगे, और हमारा जो गैस का फ्लेम है वो मीडियम टू हाई रहेगा। तो फ्रेंड 5 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं ये बॉयल हो चुका है वाटर। उसे बस ज्यादा नहीं करना, गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे, और हमें जब ये गर्म हो तभी हमें इसे छानना है। जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर ये बहुत ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा, हम इसे छाना नहीं जाएगा इजिली, तो हम इसे फटाफट छानते हैं। तो फ्रेंड ये अभी गर्म गर्म है, हमें गर्म गर्म इसे छानना है, अदरवाइज ये हमसे छनेगा नहीं। तो मैंने छलनी ले ली है, आप चाहे तो कॉटन के कपड़े से भी ये जेल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हम इसे अच्छे से इसका जेल है एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। फ्रेंड इसका अच्छे से किसी स्पून से इसको हम जो है जेल सारा एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो फ्रेंड ये हमारा बढ़िया सा फ्लैक्सीड जेल तैयार है। तो फ्रेंड ये हमारा फ्लैक्सीड जेल तैयार है, इसे बालों पे आप दोनों स्किन पे लगा सकते हैं। बालों पे आप नॉर्मली जैसे आप लिवॉन या कुछ कंडीशनर लगाते हैं, अपनी सीरम लगाते हैं, वैसे आपको लगाना है। इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल सीरम जैसी है, और इसको अपने बालों के आप स्कैल्प पे अच्छे से लगाएं, लेंथ से लेके रूट से लेके लेंथ तक आप अच्छे से लगाएं। और आप इसे स्कैल्प पे भी लगा सकते हैं क्योंकि इसमें किसी तरह का केमिकल नहीं है। ये आपके बालों को सिल्की स्मूथ बनाने के साथ साथ आपके बालों को लंबा भी करता है, लॉन्ग करता है। तो अच्छे से आप इसको अपने बालों में लगाएंगे हम इसे। और फ्रेंड इसे आप फेस पे भी लगा सकते हैं, नॉर्मल आप जैसे सीरम वगैरह लेते हैं, मैंने हाथ में लिया है इसे, हम अपने फेस पे अच्छे से हम इसको लगाएंगे। आप इसे कभी भी लगा सकते हैं क्योंकि हमारी स्किन पे बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है, और हमारे रिंकल्स को बहुत अच्छे से, ये रिंकल्स अगर आपकी स्किन पे नॉर्मली आप लगा सकते हैं, एक्ने है, आपकी स्किन को ग्लोइंग रखता है, बहुत ही ज्यादा हेल्दी रखता है। तो फ्रेंड ये था
था मेरा आज का वीडियो कि हम फ्लैक्सीड जेल कैसे बना सकते हैं, उसको कैसे यूज कर सकते हैं, आप इसे पूरे बॉडी पे यूज कर सकते हैं। ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, हाइड्रेट करता है, आपकी अगर स्किन पे किसी तरह के पिंपल्स हैं उसे भी ये क्योर करता है, सन से डैमेज से बचाता है, और इसमें बहुत ज्यादा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है। और अगर आपके फेस पे रिंकल्स हैं तो ये एक तरह से एंटी एजिंग सीरम भी का भी काम करता है, और बालों के लिए भी ये बहुत ही अच्छा है। मैंने इसको स्किन पे बालों पे लगा सकते हैं, और इसे आप अगर आपने एक कप आपने वाटर लिया है तो उसी से आप 1/4 कप यानी कि 1/4 लगभग ही 1 टेबल स्पून होगा आप फ्लैक्सीड लें, और उसको सिर्फ मीडियम आंच पे 1 बॉयल तक आने तक उसे आप पकाएं, और जब वो बिल्कुल हो जाएगा झाग से आने लगेगी आपका जो वाटर है थोड़ा ठीक हो जाएगा, गैस का फ्लेम बंद कर दें, और उसी टाइम में इसको किसी छन्नी से या किसी चीज क्लॉथ जो पतला कपड़ा होता है कॉटन का उससे आप इसे स्ट्रेन कर सकते हैं, इसका जितना भी जेल है एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और इनकेस अगर आपका जेल थोड़ा ठीक हो जाता है तो आप उसको फिर से 1 कप पानी डालें, उसमें थोड़ा सा पानी डालकर उसको अच्छे से जब वो ठीक हो जाएगा बिल्कुल फिर आप उसको फटाफट करना है। अगर ये ठंडा हो जाएगा तो ये जितने भी जेल जो है वो फ्लैक्सीड जेल से चिपक जाएंगे तो उसको स्ट्रेन करना बहुत मुश्किल होगा एक्सट्रैक्ट करना, तो धीरे धीरे ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। और अब बात आती है कि हम इसे कितने दिन तक स्टोर कर सकते हैं, तो इसे हम 4 से 5 फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं, और अगर आप इसको ज्यादा दिन तक स्टोर करना चाहते हैं तो आप इसमें किसी भी तरीके का एसेंशियल ऑयल डाल सकते हैं, आप लेवेंडर एसेंशियल ऑयल डाल सकते हैं, टी ट्री एसेंशियल ऑयल डाल सकते हैं, अगर आपकी एक्ने प्रॉन या ऑयली स्किन है आप रोज ऑयल डाल सकते हैं, आप बहुत सारे ऑयल आते हैं मार्केट में आप वो डाल सकते हैं। सो ये बहुत ही अच्छा है, आप इसे कभी भी लगा सकते हैं, नाइट में डे में कभी भी आप इसे अपने बालों में लगा सकते हैं, स्किन पे लगा सकते हैं, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं हमारी स्किन के लिए। और अलसी हर शॉप पे मिल जाती है और बहुत सस्ती होती है, ये आपको 100 ग्राम 80-90 रुपए की काफी अच्छी क्वांटिटी में मिल जाएगी। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नई होम रेमेडी या किसी नई DIY के साथ, टिल देन बाय बाय एंड स्टे हेल्दी स्टे ब्यूटीफुल, बाय बाय।